नमस्कार, स्वागत है आपका भारत प्लस टीवी में। मैं आपके साथ राज ठाकुर और इस टाइम मौजूद है दिल्ली के डिलाइट डायमंड सिनेमा के अंदर और इस टाइम बात करने जा रहे हैं हम OMG 2 मूवी के बारे में कि किस तरीके से मूवी रहने वाली है, अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी है, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग कैसी है और मूवी के अंदर क्या क्या कुछ खास है और किस तरीके की मूवी रहने वाली है, लोगों को क्या पसंद आएगा और मेन जो इसमें सेक्स को लेके एक बात की गई है, लिंक मेल फीमेल के बारे में बताया गया कि क्योंकि आजकल का जो ज़माना है लोग सोचते हैं इस बारे में कि ओपनली बताए या नहीं बताए, तो ये कि एक मूवी ये लोगों तक एक मैसेज देना चाहती है, क्या कुछ खास है मूवी में, यहाँ लोगों से रिव्यू लेंगे कि मूवी किस तरीके की थी, एक्टिंग कैसी थी और क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, सॉन्ग है या जो भी है व्हाटएवर, हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी मूवी और इस मूवी में जो एक जो बेस्ट पॉइंट है जो कहा गया इस मूवी का जो एजुकेशन है, हमें सेक्स एजुकेशन पर बात करनी चाहिए और नो डाउट हमारे इंडिया में यह बहुत जरूरी है। तो अगर मैं 10 आउट ऑफ रेट करूँ तो इसे 10 आउट ऑफ 8 बिल्कुल देखिए शर्माते हैं हमारे इस मूवी में, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात किया गया, एक डाटा दिया गया था कि किस तरह ब्रिटिश ने हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को खत्म करने की साजिश रची थी, गुलाम बनाने की साजिश रची थी, तो उसी के तहत हमारे और ये जो सेक्स एजुकेशन है ये ऐसी बात नहीं कि देश की आज़ादी के बाद से ये मतलब उठना शुरू हुआ है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत पहले से चली आ रही है, तो हमें वापस उस चीज़ों को अपनाना चाहिए और हमें सेक्स एजुकेशन बिल्कुल लागू करना चाहिए। तो क्या लगता है मैसेज आया लोगों को, क्या लोग इस मैसेज को समझेंगे, लोग देखिए समझ एक बात तो ऐसी है कि कहीं कि मूवी से जो एजुकेशन है वो तो बेटर ही है, हाँ लेकिन इसे अंडर अगर इसे अंडर 18 नहीं देखे तो वो ज़्यादा बेटर है, चाहे क्योंकि इसमें काफ़ी वल्गर वर्ड का यूज किया गया है तो इसलिए नहीं देखे तो ज़्यादा। हाँ ये एक तरीका है लेकिन ये जिस तरीके से उन्होंने पेश किया मेरे हिसाब से लोग इसको समझेंगे, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सबको देखनी चाहिए और सबको समझना चाहिए कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं बैठकर जस्ट उसमें मार रही है, उस लड़की ने एट लास्ट हमें जाके अपने दादू को अपने नानों को या दादू को जो उनको बताया कि उनके माँ बाप उस तरीके से छेड़ते थे, अगर वो सेक्स एजुकेशन पहले होता तो मे बी उसके साथ ये सब नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये सबको देखना चाहिए समझना चाहिए, क्योंकि अक्षय का रोल बहुत छोटा छोटा दिखाया है। मैं तो अगर ऐसे देख